नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों देखेंगे आज लाइव आप चंदन का पेड़, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन दोनों के पेड़ देखेंगे और उसके बाद उनके गुड़ देखेंगे। तो आपको सबसे पहले दोस्तों चलते हैं लाल चंदन की ओर, आपको लाल चंदन का लाइव वीडियो दिखाते हैं और आप पहचान कर सकते हैं। दोस्तों ये देखो सामने आपके लाल चंदन का पेड़ है, छोटा पौधा है, अभी आप पत्तों से पहचान सकते हैं और जब ये बड़ा होगा दोस्तों तो इसकी आप जो लकड़ी है वो जब पक जाती है तो दोस्तों इसमें तेल भी निकलता है और इसके साथ इसकी लकड़ी से आप जानते हैं कि तिलक से लेकर के तमाम इसके दवाओं में प्रयोग हैं और उन प्रयोगों से आपको जीवन में कितना लाभ मिलता है। दोस्तों पत्तियों से पहचान चुके होंगे कि लाल चंदन का पेड़ है, बिल्कुल साफ पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं और इसके जो दोस्तों गुड़ हैं, गुड़ों के बारे में तो आप जानते हैं, तिलक लगाने के भी काम आता है, तंत्र मंत्र या यंत्र लिखने के भी काम आता है, भोजपत्र पर लिखने के लिए ज़्यादातर लाल चंदन का दोस्तों प्रयोग होता है और ये पूजा पाठ से लेकर के तमाम दवाएं औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों इसको सम्मोहन तिलक भी इसका प्रयोग करते हैं इसकी लकड़ी का और साथ में बसीकर जैसे प्रयोग हैं, यंत्र तंत्र ताबीज़ बनाने के भी काम इस लकड़ी के घिसने के बाद और इसकी जो स्याही बनती है दोस्तों उससे भोजपत्र पर भी लिखते हैं और साथ में इसके जो लगाने की विधि है दोस्तों, ज़्यादातर इसको महिलाओं को नहीं लगाना चाहिए, पुरुषों को लगाना चाहिए, क्योंकि लाल चंदन का प्रयोग जो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं या माँ दुर्गा जी की पूजा करते हैं उनको इस लकड़ी के घिस करके जो स्याही बनती है उसका प्रयोग करना चाहिए। और दवाओं के रूप में तो दोस्तों ये इतनी बड़ी औषधि के रूप में प्रयोग होता है कि आप सभी प्रकार की समस्याओं से, यहाँ तक कि फेस पैक वगैरह इनमें भी काम आता है, खाने के भी काम आता है, जैसे कि आपको तमाम प्रकार की समस्याएं होती हैं उनमें दोस्तों इनका दवा के रूप में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये ज़्यादातर हमने आपको बताया कि भोजपत्र का जब यंत्र वगैरह बनाते हैं या कोई तांत्रिक पूजा वगैरह ये लोग करते हैं तो उनके भी ये विशेष काम आता है, पर ये छोटा है, जब बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद इसकी लकड़ी जो दोस्तों पक जाएगी, आप देख सामने देख रहे हैं ये इसकी पिंडी है और अभी ये छोटा पौधा है और जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद लकड़ी इसकी पक जाएगी और फिर इसका जो लाल रूप है आप घिसेंगे तो उससे आपकी स्याही जैसी बन जाती है। तो कुछ समय बाद ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, इसके बाद आप इसके उपयोग कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने रहा लाल चंदन, आप चलते हैं आपको सफ़ेद चंदन की ओर, वो भी आप देखेंगे। देखो ये सामने सफ़ेद चंदन है और सफ़ेद चंदन का पौधा थोड़ा इससे बड़ा है और इसके गुड़ आप जानते हैं दोस्तों कितना शीतल होता है, पूजा पाठ में तो इन चीज़ों का प्रयोग दोस्तों होता ही है। साथ में आप इनकी पत्तियों से दोस्तों पहचान सकते हैं, बड़ा पौधा है और ये भी दोस्तों जब इसकी लकड़ी पक जाती है, जैसे दोस्तों आप सामने देख रहे हैं अभी ये ज़्यादा बड़ा पौधा नहीं है, जब इसकी लकड़ी पक जाएगी तो इसका चंदन के रूप में प्रयोग ज़्यादातर होता है और पूजा पाठ से लेकर के तिलक लगाने से लेकर के फेस पैक वगैरह बनाने से इसके जो, क्योंकि दोस्तों ये शीतल होता है, सुगंधित होता है, जब लकड़ी इसकी पक जाती है तो इसमें से तेल भी निकलता है और इसके साथ जो इसके प्रयोग हैं फेस पैक वगैरह और मस्तिष्क को ठंडा करने में इसका विधेयक ज़्यादा प्रयोग होता है। यहाँ तक कि दोस्तों ये दवाओं के रूप में भी बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रह शांति के लिए इसके सफ़ेद चंदन का ज़्यादातर प्रयोग होता है और मुख्य रूप से दोस्तों लाल चंदन और सफ़ेद चंदन होते हैं। तो इनका जो असली रूप है वो दोस्तों आप देख चुके होंगे, जिन भाइयों ने अभी तक लाइव नहीं देखा है तो वो लाइव देख सकते हैं, क्योंकि पूरा ये चंदन का पेड़ आपके सामने है और जब मोटा हो जाएगा, बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इसकी जो लकड़ी है वो तिलक लगाने से लेकर के फेस पैक वगैरह में इनका प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, आपने सुना होगा कि चंदन का पेड़ सुगंधित ही नहीं, सुगंधित के साथ शीतल भी होता है, पूजा पाठ में भी इतना काम आता है कि आप सभी जानते हैं ऋषि मुनि पहले के भी लोग इसको मस्तिष्क ठंडा करने के लिए माथे पर लगाते थे और तमाम प्रयोग इसके दवाओं के रूप में भी होते हैं।
जैसे ये दोस्तों गुणों से भरपूर है, यहाँ तक कि ये ग्रहों की शांति के लिए चंदन का प्रयोग दोस्तों ज़्यादातर होता है। तो पहले हमने बताया दोस्तों आपको लाल चंदन का प्रयोग, और ये सामने जो आपके सामने है ये सफ़ेद चंदन का पेड़ है, और जब ये बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, इसकी लकड़ी ये थोड़ी पक जाएगी, तो फिर दोस्तों ये आपका पूरा रिजल्ट देने लगेगा। यहाँ तक कि आपको सफ़ेद चंदन और लाल चंदन के दोस्तों दोनों को गुड़ बताइए। हमें आशा है दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें। इसी प्रकार हम नई नई जानकारियाँ आपको बराबर अपडेट करते रहते हैं, तो हमें आशा है कि आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलते हैं दोस्तों अब नई जानकारी के लिए। अब आपको अगले वीडियो हम दिखाएंगे रुद्राक्ष का लाइव पौधा दिखाएंगे, और कैसे रुद्राक्ष लगते हैं और कैसे क्या क्या उसके गुण हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं। तो अगले वीडियो में दोस्तों आप ही देखें, तब तक के लिए नमस्कार।